नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। सांसद दीपक बैज और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने संवेदनशील वनांचल कोलेंग में 100 सीटर कन्या छात्रावास का लोकार्पण किया। जगदलपुर में 162 लाख रुपए की लागत से निर्मित 100 सीटर कन्या छात्रावास भवन का लोकार्पण हुआ। सांसद बस्तर दीपक बैज ने सांसद निधि से 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। ग्राम पंचायत कोलेंग, मुंडागढ़, छिंदगुर और कांदानार को मिलेंगे मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए 5-5 लाख रुपए। गाजे बाजे और पारंपरिक धुरवा लोक नृत्य के साथ सांसद बस्तर दीपक बैज और विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन का स्वागत किया। सुदूरवर्ती वनांचल और संवेदनशील क्षेत्र में 100 सीटर कन्या छात्रावास भवन मिलने से क्षेत्र में हर्ष की लहर। पंचायत प्रतिनिधियों ने सांसद विधायक का आभार व्यक्त किया। सांसद बस्तर दीपक बैज ने अपने उद्बोधन में कहा कि बस्तर लोकसभा क्षेत्र के इतिहास में अब पहला अवसर है जब कोई सांसद कोलिंग जैसे वनांचल में पहुंच रहा है। उन्होंने विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन की तारीफ करते हुए कहा कि पूर्व के विधायक जहां एक बार भी आपके पंचायत में नहीं आए थे, या विधायक 8-10 बार यहां आ चुके हैं तथा हर बार कुछ न कुछ सौगात दे रहे हैं। पहले यह पंचायत बहुत बड़ा था जिससे विकास की योजनाएं नहीं बन पाती थी, पर अब 4 पंचायत बन जाने से विकास की योजनाएं बनाने में आसानी हो रही है तथा सभी पंचायतों को आधारभूत संरचना के लिए पर्याप्त राशि भी मिल रही है। विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि कोलिंग क्षेत्र मेरे घर जैसा है। इस क्षेत्र के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। पूर्व में यहाँ पहुँचना बहुत ही दुभर था, पर हमारी सरकार बनने के बाद अब चमचमाती सड़क बन गई है जिससे यह क्षेत्र भी मुख्यालय से जुड़ गया है। आज कोलिंग क्षेत्र में सड़क, पुल, पुलिया, बिजली और सभी आधारभूत संरचना पहुँच गई है। यहाँ के बच्चों को पढ़ाई में परेशानी ना हो, इसलिए 162 लाख रुपए की लागत से 100 सीटर कन्या छात्रावास का लोकार्पण किया गया है। अभी कोलेंग में 10वीं तक पढ़ाई हो रही है, आगामी वर्षों में इसे 12वीं कक्षा तक किया जाएगा। ये कोलेंग क्षेत्र छिंदगुर, मुंडागढ़, कांदाना, ये मेरा परिवार है। इन्होंने जिस विश्वास के साथ मुझे विधायक बनाकर भेजा, 15 साल भारतीय जनता पार्टी का राज था, कभी कोई विधायक इधर आया नहीं। मैं अपने परिवार के बीच हमेशा आता हूँ, यहाँ का विकास कार्य करने में लगा हूँ, यहाँ के लोगों से जो समस्या आती है उसको हल करने का प्रयास करता हूँ। आज यहाँ पर कोलिंग क्षेत्र के लिए 100 सीटर कन्या छात्रावास का हमने लोकार्पण किया। सांसद महोदय जी और हम दोनों ने मिलकर सभी कांग्रेसजनों और गांव की उपस्थिति में, और ये क्षेत्र अब लगातार बदल रहा है। इस रोड में जो मूलभूत जरूरत है, सड़क, पानी, बिजली, इसको हम लगातार काम कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का आर्थिक उन्नयन की दिशा में काम कर रहे हैं। इस सांस्कृतिक धरोहर को और अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। आज पूरे देश में चर्चा है, पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा है कि बस्तर अब बदल रहा है। आप भी मीडिया के साथी हैं, इस क्षेत्र में आए तो आज आपको लग रहा होगा कि वास्तव में भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने कोलिंग क्षेत्र में एक नई इबारत रखने का काम किया है। इससे हमारे आर्थिक लोगों का उन्नयन हो रहा है, मजबूती मिल रही है। हमारी माता बहनें, हमारे किसान भाई सब खुश हैं कि भूपेश बघेल के राज में 2640 रुपए में धान खरीदी हो रही है। यहाँ पर बिजली पहुँच गई, यहाँ पानी पहुँच गया, यहाँ आश्रम स्कूल बन रहे हैं, रोडें बन रही है, और लगातार हम चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे से काम कर रहे हैं और उनके आशीर्वाद से हम सभी बस्तर के जनप्रतिनिधि गढ़बो नवा जगदलपुर, गढ़बो नवा कोलेंग, गढ़बो नवा मुंडागढ़, गढ़बो नवा छिंदगुर।